दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव। इसी उन्नाव जिले की जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली संध्या सुबह के करीब 9 बजे अपने घर से अपने माँ के साथ निकलती है, क्योंकि उसे कोर्ट जाना था और आज उसकी तलाक की पहली तारीख थी, पहले पेशी थी। अब संध्या अपने माँ के साथ सुबह सुबह ही कोर्ट की केस की पहली तारीख पर अपनी पेशी करने के लिए अपने माँ के साथ निकलती है। उसके पिताजी और उसके बड़े भाई उसी एरिया में किराने की दुकान करते थे और दोनों का एक साथ ही दुकान में कार्यभार रहता था। अब चूंकि उन्हें लगता है कि पहली पेशी है, जज साहब हो सकता है थोड़ा देर बैठे, और ज्यादा देर है नहीं, इन लोगों को सवारी से जाना है, ये लोग टेम्पो वगैरह से जाएंगे और हम लोग बाइक से जाएंगे, और अभी सुबह 9 बज रहे हैं, अगर ये लोग टेम्पो पर सवार होकर जाते हैं तो ये लोग कोर्ट पहुंच कर, मेन काम तो वहां पर संध्या का ही है, ये लोग कोर्ट पहुंच कर जब वहां पे हमारा काम होगा, जब तैयारी होगी पेशी की, जब जज साहब सुनवाई करने के लिए होंगे, तब वकील साहब बताएंगे इन लोगों को, संध्या को और संध्या की माँ को कुछ देर पहले, और वकील साहब हम लोगों को भी फोन करेंगे, तब हम लोग घर से निकलेंगे। अब संध्या और उसकी माँ कुछ देर चौराहे पर आते हैं, चौराहे पर खड़े होकर सवारी का इंतजार करते हैं और उन्हें एक टेम्पो मिल जाती है। उस टेम्पो में, उस टैक्सी में संध्या और संध्या की माँ सवार होते हैं। दोनों लोग बैठते हैं, टेम्पो धीरे धीरे जिला मुख्यालय उन्नाव की तरफ आगे बढ़ती है। अभी टेम्पो महज 2-3 किलोमीटर ही चली थी कि उसका एक पिछला टायर पंचर हो जाता है, और पिछला टायर जब पंचर हो जाता है तो वहां अगल बगल कोई दुकान नहीं थी। अब जो टेम्पो का चालक था, जो टैक्सी का चालक था, वो सब लोगों को कहता है कि भाई साहब आप लोग कोई दूसरी टैक्सी देख लीजिए। जैसे तैसे संध्या और संध्या की माँ 9:50 पर, यानी 10 मिनट कोर्ट में, कोर्ट के जो मेन गेट होता है उस गेट के सामने पहुंचते हैं। अभी 10 मिनट का समय था। अचानक संध्या और संध्या की माँ जैसे ही उस दीवानी न्यायालय के अंदर घुसने के लिए होते हैं, वैसे ही संध्या की निगाह सामने बैठे अपने पति नकुल पर पड़ती है। वो दूर से ही नकुल को देखती है, देखती है कि नकुल भी उसकी तरफ देख रहा है। जब वो नकुल को देखती है तो सोचती है कि कितना दुबला पतला हो गया है नकुल, आखिर क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या करता है। उसे देखकर एक बार संध्या को बहुत ही आत्मग्लानी होती है, बहुत दुखी होती है। और आगे क्या होता है दोस्तों, कोर्ट की कार्यवाही में क्या होता है, आखिर नकुल और संध्या का तलाक तक मामला कैसे पहुंच गया, आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, दोस्तों जो ये आज कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी वाकई में एक सामाजिक कहानी है, आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है और कहीं ना कहीं समाज को एक सीख देने वाली कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी समाज को जागरूक करने वाली सामाजिक कहानियां अपने चैनल पर आपको सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ था पिछली कहानी पर, और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर कहानी को देखा करें तो कहानी को पूरी देखा करें, और कहानी के आखिरी में आप देखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि आप कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस कस्बे से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, और आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। खैर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शुरू करते हैं उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहला नाम है मोहम्मद गुड्डू का, जो कि रहने वाले हैं सिंगरौली उत्तर प्रदेश के। दूसरा नाम है वशिष्ठ प्रसाद का, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुधीर सिंह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से।
जयशंकर प्रसाद हैं बिहार से, खलीद खान हैं, शिव शंकर सिंह हैं कोलकाता से, ब्रजेश यादव हैं डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से, और भैरू सिंह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से, और श्रवण कुमार हरदोई से हैं, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें हमारी हर कहानियों पर मिलता रहता है। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम, उम्मीद है आपका भी प्यारा सा कमेंट इस कहानी पर जरूर आएगा और पूरी कहानी आप देखकर ही जाएंगे। तो ऐसा सोचते सोचते दोनों कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर उनके वकील साहब हाजिर होते हैं और बताते हैं कि संध्या हमारी तरफ से आई है, और नकुल के वकील साहब कोर्ट में बताते हैं कि नकुल की तरफ से मैं वकील हूं, हमारी भी पार्टी आई है। वहां पर जो जज के नीचे पैरोकार बैठते हैं, जज के पैरोकार साहब कहते हैं कि आपका नंबर करीब 2 घंटे बाद आएगा। अब संध्या के वकील साहब, संध्या और संध्या की मां अपने पिता और भाई को भी फोन करते हैं कि करीब 2 घंटे बाद यानी लगभग 12 बजे के आसपास हम लोगों का पैरवी का नंबर आएगा, हम लोगों की सुनवाई का नंबर आएगा। अब 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे संध्या के पिताजी और भाई जी दोनों कोर्ट में आ जाते हैं। 1 घंटे बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के पहले दोनों एक दूसरे से कई बार आंखों के इशारे में बात करते हैं। नकुल संध्या से बात करता है, संध्या नकुल से बात करती है आंखों के इशारों में, और दोनों की आंखों के इशारे देखकर दोनों को यह प्रतीत हो रहा था जैसे नकुल संध्या से कुछ कहना चाह रहा हो और संध्या नकुल से कुछ कहना चाह रही हो। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 5 साल पहले। संध्या और नकुल एक गांव के रहने वाले होते हैं उन्नाव के, जो कि जिला मुख्यालय से उन्नाव जिले से 35 किलोमीटर दूर था। दोनों के पिताजी एक दूसरे को जानते थे, यानी कि नकुल की पिताजी और संध्या के पिताजी दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब संध्या के पिताजी को अपनी बिटिया की शादी करनी थी, नकुल के पिताजी को अपने बेटे की शादी करनी थी, रिश्ता जैसे तैसे तय होता है। और नकुल का एक बड़ा भाई रहता है, उसकी शादी पहले से ही हो चुकी होती है। अब क्या होता है कि जब संध्या नकुल की दुल्हन शादी हो जाती है, नकुल की जब संध्या उसके घर पे आ जाती है तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर संध्या देखती है कि नकुल जो है उसकी भाभी, उसके बड़े भाई की पत्नी, वो हर काम चाहती हैं कि संध्या ही करे। और संध्या 1 साल तक ये सब पूरा वाकया देखती रहती है। 1 साल बाद वो जब गर्भवती हो जाती है, उसके गर्भवती होने के दौरान भी कई बार उसकी तबीयत खराब रहती है, उसका काम करने का मन नहीं करता है। कई बार वो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी आज ये काम आप करो, लेकिन उसकी जेठानी नहीं करती उन कामों को, कहती है कि नहीं संध्या तुम ही करो, मैं नहीं कर सकती हूं। अब ये बातें संध्या अपने मायके वालों को बताना शुरू करती है कि ऐसी ऐसी हाल है मेरी, आप लोगों ने कहां मेरी शादी कर दी है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरी जो जेठानी है वो इस कदर है कि इंसानियत उसमें है ही नहीं। और जो नकुल था वो उसके पिताजी शादी के कुछ दिन बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं। अब पिताजी का भी किराने का बड़ा व्यवसाय था, वो बड़ा व्यवसाय नकुल का बड़ा भाई संभालने लगता है, और नकुल का बड़ा भाई जब उस व्यवसाय को संभालने लगता है तो नकुल को भी उसी दुकान में ले लेता है, और जितना भी उस दुकान में टोटल पैसा बचत आती थी, कमाई आती थी, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए नकुल को शादी के बाद दे दिया करता था। ये बातें संध्या को पता होती हैं। संध्या एक दिन नकुल से कहती है तो नकुल बेचारा सीधा साधा आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, खर्चा तो दे रहे हैं कम से कम। लेकिन अब इधर नकुल को एक बेटा पैदा हो जाता है, अब नकुल के खर्चे और बढ़ जाते हैं, जो उसका बड़ा भाई दे रहा था उसमें उसके परिवार का गुजारा नहीं चल रहा था, उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। अब संध्या ने नकुल को एक दिन शाम को बैठ के समझाया कि देखो अब ऐसे नहीं चल पाएगा, अब या तो तुम्हें कुछ करना होगा या तो तुम्हें अपने भाई का साथ छोड़ना होगा। अब जब ऐसा कहती है संध्या
तो वो कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। हालांकि नकुल भी अपनी जगह पर सही था, लेकिन बात दोनों पति पत्नी में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नकुल गुस्से में आकर संध्या को एक हाथ खींचकर मार देता है। और जब संध्या को एक हाथ खींचकर मार देता है तो संध्या कुछ देर अपना बैठकर रोती है अपने बच्चे को लेकर, उसके बाद अपने मायके वालों को फोन कर देती है। कुछ देर बाद ही उसका भाई, चूंकि ज्यादा दूरी थी नहीं घर की, कुछ देर बाद ही उसका भाई आता है और अपनी बाइक पर सवार करके, अपने बाइक पर बैठा के उसको लेकर अपने घर चला जाता है। यानी अब संध्या अपने मायके पहुंच चुकी थी। अब उसकी माँ उससे पूछती है तो वो कहती है कि माँ जी क्या ही बताऊं, वो तो अब कुछ मानने को तैयार नहीं है। कई बार संध्या को ऐसा लगता है कि जो नकुल है वो कहीं ना कहीं से अपने भाभी से भी संबंध में, अपने भाभी से भी प्यार करता है। इस गलत फहमी की वजह से जब वो अपने माँ को बताती है कि माँ जी जो मेरा पति है वो मुझसे ज्यादा अपनी भाभी को तवज्जो देता है, दरअसल बचपने में ही माँ गुजर गई थी, भाभी जब उसकी आई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी नकुल के, तब भाभी घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए भाभी नकुल को बहुत प्यार देती थी, एक बेटे की तरह मानती थी। लेकिन ये गलत फहमी संध्या ने पाल रखी थी। अब जब उसकी माँ ऐसा सुनती है अपनी बिटिया के मुंह से तो कहती है कि क्यों ना हम तलाक का केस दायर कर दे। और फिर संध्या कहती है कि ठीक है, आप लोग गार्जियन है, माता पिता भाई हैं, जैसा आप उचित समझे वैसा कर दीजिए। अब नौबत मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और तलाक का केस दायर हो जाता है। जब तलाक का केस दायर होता है, इसके बीच में नकुल कई बार संध्या से मिलने के लिए अपने भाभी और भाई को बिना बताए चुपके से अपने ससुराल जाता है। लेकिन जो संध्या का बड़ा भाई था वो संध्या से नकुल को मिलने नहीं देता है और बिना संध्या की जानकारी में उसे वहां से मारकर, डांटकर, बदतमीजी करके भगा देता है। और ये बातें संध्या को नहीं पता रहती हैं। खैर, अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, जज साहब सामने बैठे थे, सुनवाई होने के लिए एकदम तैयार थी, फाइलें दोनों की आ चुकी थी। अब जज साहब के मुंह से निकलता है कि वादी संध्या और प्रतिवादी नकुल दोनों कोर्ट में हैं, दोनों अपना अपना हाथ हिलाते हैं। अब जज साहब कहते हैं कि देखिए, ये न्यायालय है, यहां पर सिर्फ फैसले होते हैं लेकिन कभी कभी इंसानियत के भी फैसले होते हैं। और मैं कोर्ट की पूरी बात की बात अगर छोड़ दूं तो मैं आप दोनों से, अभी आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है, अभी ये मामला काफी दिन तक चलेगा, लेकिन जब आप दोनों सहमत होंगे तो एक दूसरे से तलाक हो जाएगा। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, नकुल और संध्या दोनों से, कि आप दोनों भी पति पत्नी हैं, क्या एक दूसरे से आप दोनों बातचीत करना चाहेंगे? अब जज साहब नकुल से पूछते हैं। नकुल कहता है कि साहब चाहे जो हो, मैं अपनी पत्नी से एक बार बैठकर बात करना चाहता हूं। अब जज साहब संध्या से पूछते हैं। संध्या से पूछने के दौरान संध्या की आंखों में आंखें डालकर उसके पिताजी उसके भाई देख रहे थे और इशारों में हाथ हिलाकर मना करते हैं कि बोल दो कि नहीं, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे तलाक ही चाहिए। लेकिन जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। जज साहब तुरंत ही संध्या से कहते हैं कि संध्या देखो, ये फैसला आपका है, ये जीवन आपका है, अच्छा आपको करना है, बर्बाद आपको करना है। आप कोर्ट में हो, मैं यहां का जज भले ही हूं, आप दोनों जिस चीज में संतुष्ट होंगे मैं वही लिखूंगा। संध्या कुछ देर जज की बातों का मनन करती है और तुरंत ही तपाक उसके मुंह से निकलता है कि हां जज साहब, मुझे भी अपने पति नकुल से बात करनी है। अब जज साहब वहां पर एक आर्डर पास कर देते हैं कि आप लोगों को एकांत में अभी 5 बजे तक कोर्ट की कार्रवाई होगी, आप लोग 1 घंटे का समय लीजिए। जज साहब 2 पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों पति पत्नी को एक एकांत जगह पर ले जाकर 1 घंटे की मोहलत दे दो, दोनों आपस में बात कर लें। अब संध्या नकुल से को जैसे ही देखती है, संध्या पूछती है कि नकुल तुम तो ऐसे नहीं थे,
तुम तो बहुत दुबले पतले हो चुके हो, तुम्हारे गाल में गड्ढे हो चुके हैं, तुम्हारे बाल जब मैं आई थी तब कम पके थे, आज तुम्हारे बाल ज्यादा पक चुके हैं। आखिर थोड़े से ही दिन में तुम्हारे साथ क्या हो गया, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारे साथ 5 साल जीवन मैंने यापन किया है और एक बेटा भी है जो तुम्हें बार बार पूछता रहता है कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तो वो कहता है कि दरअसल मैं भी यही सोच रहा था कि जब तुम कोर्ट आ रही थी तो बच्चे को क्यों नहीं ले आई। तो वो कहती कि दरअसल मेरे माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने बच्चे को ले आने के लिए मना किया था। तब फिर नकुल अपनी आप बीती बताता है, कहता है कि जैसे ही कोर्ट में तुम लोगों ने तलाक का केस दायर किया और हमारे घर नोटिस पहुंची, वैसे तुम्हारे आने के बाद मैं अपने भैया और भाभी के साथ रह रहा था और जब उन्हें तलाक की नोटिस मिली और उन्हें पता चला कि नकुल के ससुराल वालों ने उसके ऊपर तलाक का केस दायर कर दिया है, तो लोग इतने डर और सहम गए कि उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया और बड़े भैया ने तो मुझे बाकायदा मारा भी और घर से भगाया भी, कहा कि तुम्हारा यहां पर कुछ नहीं है। और अब मैं कुछ दिन से खुद ही बना खा रहा हूं और बनाने खाने के बाद जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जब मैंने बड़े भैया से ये प्रश्न पूछा कि बड़े भैया दुकान में पिताजी की दुकान थी, मेरा आधा हिस्सा होता है, तो उन्होंने कहा कि जो आज तक तुम्हें खाना खिलाया है उसका भी पैसा काटूंगा और 20 लाख की मालियत आकी और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए और वो 10 लाख मैं अब अकाउंट में जमा कर दिया हूं ताकि तुम मेरे ऊपर अब केस कर रही हो, तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया है तो तुम मेरे ऊपर जब गुजारा भत्ता मांगो तो मैं 10,000 रुपया तनख्वाह कमाने वाला आदमी तुम्हें पैसे कहां से दे पाऊंगा, इसलिए मैंने उस पैसे को FD कर दिया है ताकि मेरा बच्चा जब बड़ा हो, बेटा उसकी शादी विवाह हो, तुम ना मुझे बताओ तब भी मेरा धर्म बनता है कि मैं भले ही तलाकशुदा पति रहूं लेकिन मैं उसको वो पैसा दे दूं और 10,000 रुपया जो मैं सैलरी पाऊंगा, तनख्वाह पाऊंगा, दूसरे की दुकान पर नौकरी करता हूं उसमें से 5,000 तुम्हें गुजारा भत्ता दे दूंगा। अब संध्या जब ये सब सुनती है कि वो कई बार अपने बेटे से मिलने आया था और उसके भाई और उसके पिताजी ने उसे मिलने नहीं दिया, वे बात छुपा कर रखी, संध्या को भी गुस्सा आ जाता है। संध्या नकुल से पूछती है कि क्या तुम मुझे भूल गए। नकुल कहता है कैसे भूल सकता हूं, वो दिन मुझे याद है, 5 साल तक तुम मेरे इन्हीं हाथों पर सोई हो और वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं। अब नकुल संध्या से, आंखों से आंसू बह रहे थे दोनों के, नकुल संध्या से पूछता है कि संध्या क्या तुम मुझे भूल गई। तो कहती है कैसे भूल सकती हूं, अपने जीवन के 5 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, तुम इतना तो पता है तुम मेरे पति हो, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने भरोसा गलत व्यक्तियों पर कर लिया था जो कि तुम्हारे कभी अपने थे ही नहीं, वो सिर्फ स्वार्थ में अपना देख रहे थे। दोनों की 1 घंटे बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे से गले से लिपट कर रोते हैं। संध्या से नकुल कहता है कि क्या तुम घर चलोगी। संध्या कहती है कि हाँ घर तो चलूंगी, लेकिन एक दिक्कत है, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने मेरी एक जगह शादी तय कर दी है, वो लड़का, उसकी वाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, वो लड़का सरकारी नौकरी में है, मेरे घर वाले वहां पे शादी करना चाह रहे हैं मेरी। अब नकुल रोने लगता है, नकुल की मजबूरी, उसकी पूरी आप बीती सुनकर संध्या एक निर्णय लेती है, वही निर्णय जो हर इंसान जब दिल से सोचता है, और जब दिल से सोचता है तो सोचिए कि परमात्मा की तरह सोचता है, अब वो एक सही निर्णय लेती है और बिना कुछ बताए ही 1 घंटे बीतने के बाद, कुछ देर बाद दोनों आपस में बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे से गले से लिपट कर खूब रोते हैं और फिर कुछ देर बाद ही कार्रवाई का समय आ जाता है, दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं, जज साहब फिर से फाइल को खोलते हैं और पूछते हैं कि नकुल और संध्या आप अपना डिसीजन बताइए, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। नकुल कहता है साहब हम तो तैयार हैं, हम तो इन्हें आज भी ले जाने के लिए तैयार हैं,
हम तो इन्हें पहले भी ले जाने के लिए तैयार थे। अब जज साहब की निगाह संध्या पर जाकर टिक जाती है और कोर्ट में बैठे हर व्यक्ति की निगाह संध्या पर जाकर टिक जाती है और सबसे ज्यादा संध्या के भाई, संध्या की माँ और संध्या के पिताजी की निगाह संध्या पर थी कि संध्या बोलेगी कि नहीं, मुझे नकुल के साथ नहीं रहना है। लेकिन संध्या, जज साहब तीन बार उससे पूछते हैं, लेकिन संध्या बहुत ही ध्यानमग्न थी, सोच रही थी। और उसके बाद संध्या के मुंह से निकलता है कि हाँ जज साहब, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। जैसे ही संध्या के मुंह से निकलता है, जज साहब खुशी से अपनी कुर्सी से उठकर ताली बजाने लगते हैं। और जज साहब को ताली बजाता देख दोनों पक्ष के वकील, वहां पर जितने लोग थे सब लोग ताली बजाने लगते हैं। बुरा सिर्फ तीन चार लोगों को लगता है, एक संध्या की माँ को, संध्या के भाई को और संध्या के बाप को। ये लोग नहीं चाहते थे कि संध्या उनके घर जाए, लेकिन संध्या का यह फैसला सुनकर जज साहब तुरंत ही आर्डर पास करते हैं। फिर संध्या और नकुल एक दूसरे के साथ अपने घर के लिए चले जाते हैं और जज साहब पुलिस को आदेश देते हैं कि संध्या के बेटे को कस्टडी में लेकर और सुरक्षित नकुल के पास पहुंचाया जाए। पुलिस वाले भी उसे कस्टडी में लेकर नकुल के पास पहुंचा देते हैं। दोनों का अच्छे से घर द्वार परिवार चलने लगता है और कुछ दिन बाद ही माँ बाप और भाई संध्या के, वो लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि शुरू में शादी तो उन्होंने की थी, फैसला तो उन लोगों का ही था। तो दोस्तों ये है जीवन। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब चाहे लड़की के पक्ष से हो चाहे लड़के के पक्ष से हो, छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे मन मुटाव में मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हकीकत यह है कि पति पत्नी को अगर बैठा कर प्यार से समझाया जाए या पति पत्नी एक दूसरे से बैठकर किसी भी समस्या का हल या जिसके वजह से यहां तक स्थिति पहुंची है उन चीजों पर मनन करें और विचार करें तो शायद मामले कोर्ट तक पहुंचे ही ना। दोस्तों तो ये थी आज की प्यारी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कुछ जानने वालों लोगों तक, अपने इष्ट मित्रों तक इस कहानी को शेयर जरूर कर देना। कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे ये भी हमें बता देना, साथ में अपना नाम जरूर लिख देना। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।